सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। देश और प्रदेश के लोग इस पक्षी को प्रेम और समर्पण का प्रतीक मानते हैं। अब उत्तर प्रदेश में इस पक्षी को लेकर सियासत होने लग गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सारस को यूपी की सियासत का पक्षी बना दिया। दरअसल कुछ समय पहले की बात है जब हमने आपको एक इंसान और सारस के दोस्ती की कहानी सुनाई थी, जिसमें आरिफ और सारस की दोस्ती मिसाल बनी हुई थी। हमने आपको दिखाया था कि कैसे उत्तर प्रदेश की अमेठी में एक 30 साल के युवक का कोई इंसान नहीं बल्कि राजकीय पक्षी सारस दोस्त था। दरअसल युवक ने सारस पक्षी की घायल अवस्था में मदद की थी, जिसके बाद से ही पक्षी ने युवक को अपना दोस्त मान लिया और करीब 1 साल से सारस युवक के साथ रह रहा था। आरिफ जहां भी जाता सारस उनके साथ उसका सारथी बनकर रह जाता था। स्थानीय लोग भी आरिफ और सारस की दोस्ती का मिसाल देते थे। दरअसल ये पूरा मामला है जनपद अमेठी के मुंडका गांव का, जहां युवक और सारस की दोस्ती की खबर सुनकर अखिलेश यादव मिलने पहुंच गए, लेकिन अब मानो आरिफ की जिंदगी में भूचाल आ गया है। बता दें कि वन विभाग की टीम ने सारस पक्षी को संरक्षित कर लिया है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि मैं आरिफ से मिला। अखिलेश ने पीएम मोदी का नाम लिए बिना पूछा कि क्या मोर को दाना डालने वालों से छीन लिया जाएगा। देखिए, सारस हमारी स्टेट बर्ड है जी, हमें सबके को मिलकर के आरिफ को बधाई देनी चाहिए थी और सरकार को उसको धन्यवाद देना चाहिए था कि जिसने एक घायल सारस की सेवा की, उसका इलाज किया और उसको जिंदा बचा लिया। अब ये अलग बात है कि वो मित्रता हो गई, अगर मित्रता हो जाएगी तो उसको साथ रहना है उसके। आखिरकार सरकार ने क्यों छीना? ऐसे तो बहुत सारे लोग दाना खिलाते हैं, कभी बिस्किट खिलाते हैं, क्या सरकार उनको छीन लेगी? और हमने आपने टीवी में देखी होंगी तस्वीर वीडियो कि मोर को भी खिलाया गया था। क्या ये वन विभाग के लोग मोर को पकड़ने गए थे क्या? हमारे आपके घरों में गांव में मोर आ जाते हैं तो क्या उन सब पक्षियों को पकड़ लोगे आप? ये कहाँ का कानून है? उसने पकड़ा नहीं था, वो सेवा कर रहा था और अपने खेत में खुला छोड़ा हुआ था। अगर कहीं भी कैद किसी ने बताया हो तो बताइए। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आरोप है कि अखिलेश वश चले तो वो मेरी हत्या करा दे, वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। डिप्टी सीएम मौर्य के इस बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार करते हुए कहा कि सपा सबसे प्यार करती है तो हम सारस और पक्षी तक से प्रेम करने वाले लोग हैं, हमें तो केशव प्रसाद मौर्य से भी बहुत स्नेह है, उन्हें हमसे कोई भी खतरा नहीं। वो अखिलेश यादव ने कहा कि डिप्टी सीएम को केवल खतरा कुर्सी का है जो कभी भी जा सकती है। समाजवादी लोग किसी की हत्या नहीं कराते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की हत्या करने की शुरुआत कर दी है। और जहाँ तक हमारे जो डिप्टी सीएम हैं, डिप्टी सीएम को कोई मरवाने वाला नहीं है, उनका झगड़ा तो मुख्यमंत्री जी से है। अगर उनको जान का खतरा हो, कुर्सी का खतरा हो, तो वो किससे है? मुख्यमंत्री जी से, हम लोगों से नहीं है। हम तो उन्हें कुछ दे सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। अरे हम लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो जानते ही नहीं। पत्रकारों से बात करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर महंगाई को लेकर हमला बोला और कहा कि सपा का गठबंधन बीजेपी को हराने जा रहा है। सपा का गठबंधन दलितों, वंचितों, किसानों और नौजवानों से है। बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार का हर रिकॉर्ड टूटा है और ये फेक इनकाउंटर की खबर आना पहली बार नहीं हुई है। याद कीजिए, आगरा में एक बार पुलिस के लोग तय कर रहे थे कहाँ पर गोली मारने में कितना पैसा वसूला जाएगा, और इसी शहर में यहीं पर याद कीजिए सबसे पहला फेक इनकाउंटर एक हुआ था, बगल के जिले में थी सुमित गुर्जर की, उसके बाद एक सुमित यादव का यहाँ हुआ जिसको आज भी जितेंद्र यादव जो अभी भी नहीं चल पा रहा है। तो क्या ये जानकारी में नहीं है? जब कभी भी जांच होगी सुमित गुर्जर के केस की, जब कभी जांच होगी यहाँ पर जो एक ट्रेनर था जिम में उसकी, बहुत सारे अधिकारी लोग जेल जाएंगे। यूपी की राजनीति में जहां वार पलटवार का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस भी फुटबॉल बन गया है, जिसको चुनाव का मुद्दा बनाकर अब खूब राजनीति की जा रही है। पंजाब केसरी के लिए नोएडा से गौरव गौड़ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।